अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 19 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू मेक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हाउ टू लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर आप लॉग इन कैसे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की जो न्यू विंडो आ रही है जिनमें विंडो 8 है, 8.1 है और विंडो 10 है, तो इनमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना मस्ट है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अगर अकाउंट होगा तो आप कोई भी इसके जो स्टोर होते हैं वहां से आप कोई भी एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हैं, मीन अपनी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, या फिर मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे एक स्टोर है। अब इस स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना मस्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी विंडोज वगैरह के लिए। फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, इसको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगेगा। इंस्टॉल पे क्लिक करें, पॉज हो गया और यहां से आप इसे इंस्टॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना मस्ट है। मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, देख सकते हैं तैमूर परवेज के नाम से एक अकाउंट बना हुआ है। ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, ब्राउजर ओपन करें, यहाँ पे लिखेंगे आउटलुक, आउटलुक कंट्रोल एंटर करता हूँ। आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है अगर आप इसे ओपन करना चाह रहे हैं। नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अपने साइन अप नाउ पे क्लिक करें। और यहां से आप स्टार्ट करें, फर्स्ट नेम आप दे दें तैमूर परवेज, क्लिक करते हो यहाँ पे। आउटलुक और हॉटमेल दो अकाउंट होते हैं, आप इनमें से जो भी मर्जी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब जो मेरे पास ऐड है देखिएगा, अब मेरे मुझे कह रहा है कि ये आपके पास पहले से ऐड है। आप कौन कौन से नाम अवेलेबल हैं, तैमूर परवेज 1@outlook.com, मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ 1, 2, 3 आ जाए, 1, 2, 3 भी मेरे पास अवेलेबल है। और अब मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा इसको, एंटर करता हूँ पासवर्ड, रीजन में पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ, जो भी आपकी रीजन कंट्री आप वो सिलेक्ट कर लें, डेट ऑफ बर्थ में सिलेक्ट करता हूँ, जेंडर मेल, कंट्री कोड पाकिस्तान, मोबाइल नंबर, कोई और ईमेल एड्रेस है आपके पास आप यहां पे वो ऐड कर सकते हैं। ये जो चीज लिखी है इसको आपने यहां पे लिखना है, तो ये लिखा हुआ है P8YG, कैप्स लॉक ऑन करें, P8YGRV4, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। आपका अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ अल्टरनेटिव ईमेल। अब
मेरे पास कोड एक आएगा जी मेरे मोबाइल में, जो कि नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो कोड यहाँ पे आएगा तो वो मैंने यहाँ पे इस पर लिखना है, और जो ही मैं इस पर लिखूंगा तो मेरे पास ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो मेरे पास यहाँ पे आया जी, कोड वह जी 9620, और यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे पास एक अकाउंट बन गया जी। ओके, सेव पासवर्ड। तो मेरे पास यहाँ पे अकाउंट बन गया। कंटिन्यू इनबॉक्स, या फिर आप अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं आउटलुक की। कंटिन्यू इनबॉक्स पे क्लिक करें, आउटलुक का मेरे पास यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया, चीफ है, जंक है, ड्राफ्ट है, सेंड है, और यहाँ से भी आप इनबॉक्स है। आप न्यू मेल वगैरह को सेंड करना चाह रहे हैं तो इसमें भी वही तरीका है, किसको सेंड करना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे एड्रेस लिखें और यहाँ से आप फिर सेंड कर सकते हैं। एंड्राइड पे आप अगर कोई अटैच करना चाह रहे हैं फाइल वगैरह आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह अटैच करना चाह रहे हैं पिक्चर वगैरह अटैच कर सकते हैं। इसी अकाउंट से आप स्काइप भी चला सकते हैं, क्लिक करें यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। स्काइप भी यहाँ पे इसी अकाउंट से आप चला सकते हैं। तो हम स्काइप का अलग से अकाउंट बनाना सीखेंगे, उस पर काम करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अगर आपने डाउनलोड करना है, आउटलुक डॉट कॉम पे क्लिक चल जाए, यहाँ पे आप जाएँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे देखिए कैलेंडर है, वन ड्राइव है, और वन ड्राइव जो है ये कौन सी है, अगर आप चाहें मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि मेरे पास विंडो 10 है तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये वन ड्राइव है, इसके अंदर जितना भी डेटा मेरे पास सेव होगा, जो मैं यहाँ पे सेव करूँगा डेटा, मेरा सारा का सारा डेटा वन ड्राइव में चला जाएगा। पावर यहाँ पे पावर पॉइंट ऑनलाइन, और यहाँ पे देखिए ऑफिस ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करें। ऑफिस को डाउनलोड इंस्टॉल करने जा रहे हैं आप, यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन आप एमएस ऑफिस पे काम करने जा रहे थे, आप यहाँ से डायरेक्ट काम भी कर सकते हैं। इसी में आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें, नाम वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, ईमेल एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। न्यू फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, न्यू फोल्डर भी आप यहाँ से बना सकते हैं। प्रोफाइल आ गया, ट्रांसलेशन कह रहा है उर्दू में, क्योंकि हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो उसमें उर्दू में यहाँ पे सारी चीजें बता रहे हैं। यहाँ पे जाता हूँ, दोबारा में यहाँ पे क्लिक करूंगा, अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करते हैं, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें। नेवर ट्रांसलेट इन उर्दू मैंने सेलेक्ट किया। पिक्चर यहाँ पे चेंज करना चाहे तो आप यहाँ पे पिक्चर चेंज कर सकते हैं इस पे। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाता हूँ, मैं यहाँ से अकाउंट सेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ से आप इसके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं अपने, इसका जो है तो पासवर्ड वगैरह चेंज करना चेंज कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह ऐड करनी है पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तैमूर परवेज, यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करें, जो भी पिक्चर आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें ऐड पिक्चर, सेलेक्ट करें पिक्चर को, और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इस पर पिक्चर को ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा नाम वगैरह ऐड करना है तो नाम एडिट नेम पे क्लिक करें, तैमूर कैपिटल में करना चाह रहा हूँ, परवेज का पी कैपिटल करना चाह रहा हूँ, सेव। चेंज हो गया जी, तैमूर परवेज कैपिटल हो गया। ईमेल करना चाह रहा हूँ, पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, पासवर्ड पे क्लिक करें, कौन कौन सी डिवाइस में ये अकाउंट यूज़ हो रहा है आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल आ रहे हैं जिनमें विंडो फ़ोन जो आ रहे हैं वो सारे सारे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे चलते हैं, उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मस्ट है। विंडो फोन के लिए देखें, ये मस्ट है आपका। तो ये आउटलुक का अकाउंट है और आपका इसके थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट में जाके तो आपको एक काफी सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखे माइक्रोसॉफ्ट Microsoft.com में जाएं, और वहां से अपने कुछ चीज डाउनलोड करनी आप कर सकते हैं। साइन इन करें यहां से, क्योंकि अपने अकाउंट बना चुके हैं इसी अकाउंट से आप यहां से साइन इन हो जाएं, और साइन इन होने के बाद आप यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने आप डाउनलोड कर सकते हैं। तैमूर के नाम से देखिए साइन इन हो चुका हूँ, और यहाँ पे आप जाएं अपनी जो जो चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एज जो है इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडो 10 के लिए। माइक्रोसॉफ्ट आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, विंडो 10 को अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं 90 डेज एंटरप्राइज ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब तो काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड के लिए आप यहाँ से कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, विंडो 8.1 विंडो 7 है कि कोई भी चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो 7 पे क्लिक करें, विंडो 7 आ गई यहाँ पे आपके पास, डाउनलोड पे क्लिक करें, सर्विस पैक है यहाँ पे देखें, तो जो भी आपने डाउनलोड करनी है आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फायदे हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट से आप जो भी काम करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 है, क्लिक करें यहाँ से आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी विंडो जो है आपकी विंडो 8.1 को आप अपग्रेड कर सकते हैं विंडो 10 से। कह रहा है डाउनलोड अब फ्री 90 डेज, अपग्रेड कर सकते हैं अपनी विंडो को यहाँ से, एक्सप्लोर फ्री अपग्रेड ऑफर, क्लिक करें यहाँ पर। अगर आपकी विंडो 8.1 है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं विंडो 10 से। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की, और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आप काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अलावा ये अकाउंट बहुत मस्ट है आपकी विंडो 8, 8.1 एंड विंडो 10 के लिए। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।